गाजियाबाद में जेएनसी बिल्डिंग ग्रुप कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र तनेजा को हवालात में डाला गया है। तहसील की हवालात में वह कल से बंद है और उन्हें अब 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, कोई पिक एंड चूज के आधार पर हमने कोई कार्रवाई नहीं कराई है। हमने आते ही एक निर्देश दिए थे अपने जो SDM से और तहसीलदार को, और एक हमने लिखित निर्देश भी आज जारी किया है जिसमें यह है कि हम जितने भी बाकीदार हैं उनकी RCs कब प्राप्त हुई, हमें किस तारीख को अमीन को दी गई, कब साइटेशन जारी हुआ, उसमें कब वारंट जारी हुआ, कब गिरफ्तार किया गया, कब अचल संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई हो रही है, कब अचल संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई हुई, पूरा उसको सूचीबद्ध करके कंप्यूटर में दर्ज करें। और इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी वो देंगे कि अब हमारे पास कोई ऐसी RC लंबित नहीं है जो दर्ज होने से रह गई है। उसके बाद भी अगर कोई RC 10 तारीख की कट ऑफ डेट हमने रखी, उसके बाद अगर कोई RC पाई जाती जो दर्ज नहीं है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य ये है कि जो बड़े बड़े बाकीदार हैं उनकी जो भी RC हो वो विधिवत दर्ज हो, उनसे वसूली की कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह से किसी RC को दबाया न जा सके। लेकिन इनके 14 दिन की बंदी का होता है, उसके बाद अगर मान ली पैसा नहीं दे पाते हैं ये, उनकी जो चल संपत्ति होती है उसकी कुर्की की कार्रवाई होती है और उसकी फिर नीलामी होती है। अगर उससे भी पैसे धनराशि वसूली नहीं हो पा रही है तो जो उनकी अचल संपत्ति होती है उसको कुर किया जाता है, उसको नीलाम किया जाता है और तदनुसार धनराशि की वसूली किया जाता है।